मैं भी सीएम। इसके तहत जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि आज कोरोना काल में बिहार में कितनी लचर व्यवस्था है, जो अभी की जो सरकार है उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हर तरह से लोग त्राहिमाम है, लोगों को ना ही एम्बुलेंस मिल रहा है, ना ऑक्सीजन मिल रहा है, ना वेंटिलेटर से, ना सही स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आज कोरोना काल में नहीं, ये जब चमकी बुखार आते हैं तब भी हमने ऐसा देखा है, और इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियों के में बिहार की जो लचर व्यवस्था है वो हमने देखा है। SKMCH और PMCH और भी बहुत सारे जिला अस्पताल के बिहार की जो वो लचर व्यवस्था है वो हमने देखा है। इसलिए अगर मुझे सीएम बनने का मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले बिहार की स्वास्थ्य सुविधाओं को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूंगा और सबसे बेहतर करने की कोशिश करूंगा। वो पंचायत स्तर पे हो, प्रखंड स्तर पे हो, वो जिला स्तर पे हो, और उसके अलावा फिर वो राज्य स्तर पे हो। लेकिन जो सबसे मूलभूत सुविधाएं जो है वो इंसान को स्वास्थ्य से संबंधित मिलनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति जब स्वास्थ्य उसकी अच्छी होगी, वो स्वस्थ होगा, तो वो किसी भी सेक्टर में वो एक अच्छा योगदान दे सकता है। वो चाहे वो शिक्षा के में हो, बिजनेस में हो, अर्थव्यवस्था में हो, किसी भी काम में वो उसका एक अच्छा जो है वो अपना जो बेस्ट दे सकता है। इसलिए मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी, अगर मैं सीएम बनूं बिहार का, तो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि मैं स्वास्थ्य सुविधाएं बिहार में सबसे बेस्ट करूं, सबसे बेहतर करूं, जिसके वजह जिसमें सभी लोगों को एम्बुलेंस से घर पे एम्बुलेंस आए और एम्बुलेंस की सुविधा से लेकर अस्पताल तक पहुंचे, और अस्पताल में पानी का की सुविधा हो, इंजेक्शन की सुविधा हो, उन सारी चीज़ों को मुहैया कराया जाए, जिसके वजह से बिहार के जनता, बिहार के लोग ये समझ सके कि वो एक ऐसी सरकार के बीच में रह रहे हैं, ऐसे सरकार के साथ रह रहे हैं जो उनकी खबर रखता है और उनके स्वास्थ्य संबंधी सारी जो सुविधाएं उन्हें मुहैया कराएं, उसके लिए वो तत्पर।